हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं और इस मामले को भुनाने में जुटी हुई है। इसी के चलते युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले एक सप्ताह से प्रदेश भर में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और DGP संजय कुंडू को पद से हटाने पर इस मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं वीरवार को शिमला SP कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदेश सरकार सहित DGP के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। NSUI के प्रदेश महासचिव शुभम वर्मा ने कहा कि हिमाचल की भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई युवाओं ने पुलिस में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत की और पेपर निकाला और कुछ युवाओं ने पैसे देकर पेपर खरीद कर 70 से ज्यादा नंबर लिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले की जाँच के लिए सरकार ने SIT का गठन किया और SIT सबूतों को मिटाने का काम कर रही है और अभी तक DGP तक को पद से नहीं हटाया गया। ऐसे में जांच निष्पक्ष होने पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द से जल्द DGP को पद से नहीं हटाया गया तो NSUI और युवा कांग्रेस पुलिस मुख्यालय का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेगी। पर पुलिस परीक्षा का ये जो पेपर माइक नहीं दिख रहा है, सबके समक्ष है कि इसमें धांधली किस प्रकार से हुई है। पेपरों को 6 से 8 लाख रुपए में बेचा गया जो यहाँ पे सबके सामने उजागर हो चुका है। DGP साहब से जो हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उसका एक प्रमुख कारण ये है कि DGP साहब की अभी तक कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ये इस पूरे पत्र DGP साहब तो घूमने फिरने में व्यस्त हुए हैं और संजय कुंडू जी को एटलीस्ट अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो लेते हुए इसको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। पुलिस प्रशासन जो एक हिसाब से आप देखा जाए एक खाकी वर्दी होती है जिसका पूरा देश सम्मान करता है। लोग जो हमारा युवा वर्ग है वो खाकी को तिरंगे को अपनी शान मानकर पुलिस में भर्ती होने की प्रक्रिया में आगे आना चाहते हैं, परंतु जिस तरीके का ये रवैया है अगर 6 से 8 लाख रुपए में आप पेपर को बेच रहे हो तो आप करप्शन को तो शुरुआत में बढ़ावा दे रहे हो। आप खुद देख लीजिए सर, अगर 6 लाख 8 लाख रुपए दे के ऐसे ऐसे लोग पुलिस में भर्ती हो गए जिनके मैट्रिक में 50% नंबर भी नहीं थे, जिन्हें अपने हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों के नाम नहीं पता, तो आगे आने वाले समय में अगर उनकी पुलिस में भर्तियां होगी वो जनता के साथ किस तरीके का रवैया करेंगे। एक और तो आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचार को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तो हमें एक ही, और दूसरी सर एक बात और है कि जिस तरीके की इन्होंने अभी SIT की जांच बैठाई थी, अब इन्होंने CBI को केस दे दिया। SIT अभी भी गिरफ्तारियां कर रही है तो ये तो दिखती बात है CBI को कोई इन्होंने अभी तक जांच सौंपी नहीं है। SIT सिर्फ सबूत मिटाने का काम कर रही है। तो संजय कुंडू जी को या तो अपना पक्ष पूरा इस समय रख लेना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है इस पूरे प्रत्यारोपण पे, वरना युवा कांग्रेस की तो यही मांग है कि संजय कुंडू जी को इस मामले में इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आने वाले दिनों में क्या युवा कांग्रेस जो है पुलिस युवा कांग्रेस आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय तो मुख्यालय से ही, पर इसमें हम तो प्रदेश सरकार को भी दोषी मानते हैं जिस तरीके का इन्होंने रवैया अपना रखा है। आप सभी को बताए सर कि किस तरीके से यहाँ पे नौकरियों का पिटारा खुलता है हिमाचल प्रदेश में। नौकरियां पहले ही गिनी चुनी आती है। अब जो लोग ओवर एज हो जाएंगे इस पूरे इसके बाद पेपर कांड के बाद, जिन लोगों की एज अभी ओवर एज होने वाली होगी अगले साल के लिए, उनका कैरियर सदा के लिए खत्म हो चुका है, तो इस पूरे मामले में CM साहब की भी जवाबदेही बनती है और युवा कांग्रेस आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय के साथ साथ सेक्रेटरी का भी घेराव करने से नहीं कतराएगा। की चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।